शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ है मालूम नहीं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यह कहा गया, अदालत की जानिब से कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, जिस पर पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दो मुकदमात हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत के सामने पेश हुए। समाअत बारे मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है, और जब ये इस्तफसार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कहाँ है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने इस पर लातालुकी का इजहार करते हुए जवाब दिया कि शाह महमूद कुरैशी हमारी तहवील में नहीं है और हमें ये मालूम नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। अदालत ने ये हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, इससे मुतल्लिक अदालत को आगाह किया जाए, और इसके बाद समाअत में अब वक्फा कर दिया गया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ अदालत में पेश हुए थे और शाह महमूद की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर तैमूर अदालत में पेश हुए थे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान।